मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को अचानक उज्जैन पहुंचे। यहां जय गुरुदेव आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से देश में भाजपा की सरकार बन रही है। प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव निजी धार्मिक यात्रा पूरी करने के बाद सोमवार शाम को उज्जैन पहुंचे, जहां हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से मुख्यमंत्री पिंगलेश्वर स्थित बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने चले गए, जहां मीडिया के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा उमाकांत जी महाराज धर्म जागरण का काम कर रहे हैं, जो सराहनीय है। लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तक किसी ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन कांग्रेस इस सवाल पर सवाल उठा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वो कहाँ सांसद जी बुला लो। अरे सांसद जी कहाँ हैं? नीचे करना। हम सबका सौभाग्य है उज्जैन में बाबा जय गुरुदेव श्रीमान परम पूज्य उमाकांत जी तिवारी साहब का अपना कार्यक्रम चल रहा है और देश भर से जय गुरुदेव के अनुयायीगण यहाँ आए हुए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। उज्जैन का क्षेत्रीय विधायक होने के नाते से, सरकार का मुख्यमंत्री होने के नाते से भी मुझे इस बात का आनंद है। धर्म की नगरी को जीवंत करने का काम हमारे परम पूज्य उमाकांत तिवारी महाराज साहब कर रहे हैं और उनकी अपनी पूरी संगत इस काम में लगी हुई है। खास करके मांस मदिरा से दूर रह करके सादगी से जीवन जीना और सत्संग करके अपनी मनोदशा इस देश के साथ चलते हुए, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी भगवान का भाव स्मरण करते हुए सात्विक जीवन जीने के लिए जो वो प्रेरणा देते हैं, यही प्रेरणा हम सबको जीवन भर अपने मन में धारण करके रखें। मेरी अपनी ओर से मैंने उनको प्रणाम भी किया और अभी मंच पर उनके सम्मान में यहाँ उपस्थित रहूँगा। उसके बाद में मैं रात को भोपाल निकलने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आयोजन भव्यता के साथ होता है, ये हमेशा होता रहे और उज्जैन इसकी केंद्र बने रहे, मुझे इस बात का आनंद है। सर, एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, क्या लग रहा है कल जो परिणाम आना है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो हमने जिस दिन चुनाव हुआ था उसी दिन से कह रहे थे। ये अलग बात है कि विपक्षी मानने को तैयार नहीं, ना ये 2014 में मान रहे थे, ना 19 में मान रहे, ना आज मान रहे हैं। और जिस ढंग से व्यवहार कर रहे, अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कभी दुनिया में किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया है, लेकिन ये छोटे मन के, छोटी भावना से, एक स्वस्थ खेल मनोदशा के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा आपसे भी कि वो अगर पराजित हो रहे हैं तो अपना आत्मावलोकन करें। अपने लिए अगला चुनाव फिर आएगा 5 साल बाद, उसमें क्या दिक्कत है? आज बैठक भी कर रहे हैं। मैं, अरे मैं तो भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मेरे को तो 10 बार बैठक लेना तो ले।